अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज मन बुक्स कर रहे हैं वीवो का Y31 जो कि वीवो हमें 6.5 इंच डिस्प्ले के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बॉक्स ओपन कर लिया है तो उसके अंदर से हमें एक गाइड बुक दिखने में आ रही है और एक जेली पाउच। तो यह है गाइड बुक और सिम इजेक्टर भी है इसके साथ। तो गाइड बुक को तो हम साइड पर ही रखेंगे क्योंकि इसको पढ़ता तो कोई नहीं है। तो अब हम देखेंगे जेली पाउच जो कि तकरीबन सब मोबाइल के साथ मौजूद होता है। तो अब हम चलेंगे मोबाइल की दूसरी चीज़ों की तरफ के मोबाइल के साथ इन्होंने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है। वैसे तो हमें चार्जर और एक लीड होती है, एडाप्टर होता है, वही प्रोवाइड करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट इन्होंने दिया है। तो मोबाइल को फ़िलहाल हम साइड पर रखेंगे क्योंकि इसको हम बाद में ओपन करेंगे और सारा सेटअप देखेंगे। तो इसकी आप साइड्स देख ही लें, साइड में इन्होंने एक बटन के साथ फिंगरप्रिंट भी दिया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब हम मोबाइल को साइड पर रखेंगे। तो देखते हैं अब उन्होंने हम क्या क्या चीज़ें दी है इसके साथ। तो सबसे पहले आपको दिखने में आ रहा है एडाप्टर, ये 18 वाट का फास्ट एडाप्टर है जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट के अंदर आपकी मोबाइल फुल चार्ज कर देगा। उसके बाद आपको दिखने में आ रही है ये लीड जिससे आप बहुत काम कर सकते हैं, अपने पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल को और साथ में आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं जो कि सबको पता है। उसके बाद आपको मिल जाएंगे वीवो के हेडफोन जो कि क्वालिटी की मैं बात करूं तो दूसरे एयरफोन से इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे, अब हम चलेंगे मोबाइल की तरफ। तो मोबाइल तो आप देख ही सकते हैं मेरे पास ये अभी कलर है ओशियन ब्लू, तो आप कलर तो चेक कर ही सकते हैं। तो मुझे तो कलर ये बहुत पसंद आया तो अब कलर चेक करें। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हमारा मोबाइल ऑन तो हो ही चुका है तो सबसे पहले आप इंटरफेस चेक करें। हम सेटिंग्स में आ चुके हैं तो तब तक हम थोड़ी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ये 1080 पिक्सल्स प्रोवाइड करते हैं रेजोल्यूशन और स्नैपड्रैगन चिपसेट में आपको इसका बता रहा हूँ स्नैपड्रैगन 662/11nm और आप जो भी कैमरा देख रहे हैं बैक कैमरा ये आपको प्रोवाइड करते हैं 48 मेगापिक्सल्स एंड आपको फ्रंट कैमरा इसमें मिल जाएगी 8 मेगापिक्सल्स। फ्रंट में आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि बैक कैमरा तो बहुत ही अच्छी है और फ्रंट 8 मेगापिक्सल मेरे ख्याल में 8 मेगापिक्सल कैमरा भी बेस्ट है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, मुझे फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी बहुत पसंद आई, हालांकि 8 मेगापिक्सल है मगर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और दूसरी बात मैं आपको बताना भूल ही गया कि इसमें आपको 5000 mAh बैटरी भी मिल जाती है 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ। और हाँ, वीवो वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 4GB रैम एंड 128GB रोम 35,000 के अंदर, ओके बहुत ही काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। तो बाकी आप लुक चेक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये रिव्यू आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Till I get up, time is barely